इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह के देखो 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 भारत प्रसिद्ध बड़ी कायदे के भारत प्रसिद्ध बड़ी कायदे के जो आसाम में जो एनआरसी हुआ, एनआरसी उधर एक जो एक रिट पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट एक रिट पिटीशन डाली गई कि इधर एनआरसी करो बोल के, एनआरसी करो बोल के जो रिट पिटीशन डाली गई, उसके बाद 2013 में स्टार्ट हुआ उसका प्रोसेस, 14 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद एनआरसी में कम से कम उनका एक जो एक एजेंडा था बीजेपी वालों का कि उधर है ना बहुत सारे घुसपैठिए हैं, बहुत सारे घुसपैठिए हैं उन लोगों को बाहर डालने के लिए। जब उनको पता चला, जब तीसरी लिस्ट आई उसके बाद उसमें 19 लाख लोग, कम से कम 19 लाख लोग उसमें है ना घुसपैठिए बोल के निकाले, डाउटफुल सिटीजन। उसमें ज़्यादातर तादाद है ना हमारे गैर मजहबी भाइयों की थी, तो मुसलमानों की तादाद कम थी। तो उसके बाद ये सी ए एक्ट आया कई को उनको लीगलाइज करने के लिए। अगर लीगलाइज करना था तो म्यांमार के मुसलमान है उधर, उधर उन्होंने माइनॉरिटी है, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक घिनौनी साजिश करना चाहते हैं। ये इन लोगों का एजेंडा है कि मनुस्मृति को लागू किया जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को। और उनके बहुत सारे एमपी भी बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए हम लोग आए हैं। इससे ये पता चलता है इन लोग, ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे साथ है एडवोकेट मुसा अलीम खान पठान साहब, जो कि एपीसीआर के सेक्रेटरी हैं। और तकरीबन 2 महीने से इधर प्रोटेस्ट चल रहा है सीए और एनआरसी के खिलाफ, इसके सिलसिले से आज हम उनको बात करेंगे। आपका खैर मकदम है, हमें बताइए ये प्रोटेस्ट क्यों इतने दिनों से चल रहा है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, ये संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की जानिब से कम दो महीना हो गया, सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक हर दिन दो मोहल्ले के मस्जिद अरकान और वहाँ के सभी दो मोहल्लों के सभी लोग हैं ना इसके खिलाफ एकजुट होकर यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने हम लोग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इसका एहतजाज कर रहे हैं। सीएए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर सभी मज़हब के भाई बहनें मिल के इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि है ना इधर जो आजकल जो देश में जो चल रहा है, हमारे मुल्क में जो चल रहा है, जो हमारे मुल्क की जो ब्यूटी है सेकुलरिज्म, जो इसकी रूह है, इसको जो डिस्टर्ब करने का काम कर रही है आज की मौजूदा हुकूमत, उसके खिलाफ और ये जो सीएए एनआरसी एनपीआर ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसके खिलाफ हम लोग एहतजाज, ये जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम लोग तब तक इसको जारी रखेंगे। धारवाड़ शहर में इसके खिलाफ कितनी बेदारी जागी है? यहाँ पे बहुत सारी बेदारी जागी है और इसके खिलाफ पहले मेरी राय में या गैर मजहबी भाई बहनें ये सब आवाज़ उठाए और उन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। और उन ये सिर्फ एक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये पूरे मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि ये मुल्क के इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, ये आर्टिकल 14-21 का वायलेशन हो रहा है इसमें। इसलिए इसमें सभी धर्म के लोग, सभी मज़हब के लोग एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ। हिंसा भी होते जा रही है, दिल्ली में भी हिंसा हो गई, तो इसके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो दिल्ली में जो हादसात हुए, इसे इसका सीधा सीधे इसके अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग उसके प्रिकॉशनरी कुछ भी काम नहीं किए। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे शाहीन बाग की बहनें, माँ बहनें जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रह के जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन हम लोग इससे नहीं डरेंगे और दिल्ली की आवाम नहीं डरेंगी। दिल्ली की आवाम एकजुट होकर, सभी मज़हब के लोग इसके खिलाफ है ना, ये जो गंदा काम किए उसके खिलाफ है ना आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो गुंडे लोग जो किए, जो आतंकवादी हैं वो लोग जो किए, उसके खिलाफ सभी
लोग उठ के एकजुट हो के आज हम लोगों ने धारवाड़ डीसी ऑफिस के सामने सभी मज़हब के लोग मिल के इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों ने दरख्वास्त की है कि कड़ी से कड़ी उधर कार्रवाई हो और जो पुलिस जो गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम लोग APCR की जानिब से आज एक मेमोरेंडम भी दिए हैं। आपको नहीं लगता इसके ज़रिए औरतें सॉफ्ट टारगेट बन रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का एक एजेंडा है। ये BJP जब मौजूदा हुकूमत जब आई है, इनका एक ही एजेंडा है, कैसे मुल्क को बांटा जाए। ये बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, क्योंकि डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर साहब ने जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन सभी मुल्क के लोगों के भलाई के लिए बनाया था, ये लोग उसको चेंज करना चाहते हैं और ये लोग हैं नहीं कुछ और लाने की फिराक में हैं और ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।